गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट और ट्रांसमिशन इफेक्ट का डिस्कशन स्टार्ट किया था, और इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक को मैंने डिस्कस किया है। अब मैं अगला जो डिस्कशन इंडक्टिव इफेक्ट में आपको करने जा रहा हूँ वो है इंडक्टिव इफेक्ट का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप आर क्लासिफाइड, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन गोल्ड स्केल, ऑन द बेसिस ऑफ इन गोल्ड स्केल। इन गोल्ड स्केल के बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट को हम, इंडक्टिव इफेक्ट जो ग्रुप्स का इंडक्टिव इफेक्ट है उसको हम क्लासिफाई करते हैं। और अगर हम इन गोल्ड स्केल को कंसिडर करें तो इस स्केल पे हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम की तरह यूज किया जाता है, और हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको हम आर्बिट्रली जीरो लेते हैं। तो लिख लो, ऑन इन गोल्ड स्केल हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस एटम, हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस एटम, हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस एटम वेयर इट्स इंडक्टिव इफेक्ट इज आर्बिट्ररली टेकन एज वेयर इट्स इंडक्टिव इफेक्ट इज आर्बिट्ररली टेकन एज जीरो। तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट को हम जीरो लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप देखो, हाइड्रोजन को रेफरेंस कंसीडर करते हुए जो ग्रुप्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप नोट करो, ऑन इन गोल्ड स्केल वेरियस ग्रुप्स ऑन इन गोल्ड स्केल वेरियस ग्रुप्स आर क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, ऑन इन गोल्ड स्केल वेरियस ग्रुप्स आर क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज।
नंबर वन प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, और इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। तो नोट करो इसका डिटेल, लिखो एनी ग्रुप विच इंक्रीजेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एनी ग्रुप विच इंक्रीजेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एनी ग्रुप विच इंक्रीजेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सराउंडिंग ऑफ एनी ग्रुप विच इंक्रीजेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सराउंडिंग ऑफ कार्बन एटम, इन सराउंडिंग ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो बेटा, अगर हम एक कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं, इस कार्बन से जो स्ट्रक्चरल फीचर अटैच है, मान लो यहां पे एक ग्रुप R1 अटैच है, यहां पे R2 अटैच है, यहां पे R3 अटैच है, और इधर रेफरेंस एटम है हाइड्रोजन। अब हमने क्या किया, हमने इस रेफरेंस एटम को हटा दिया। रेफरेंस एटम को हटा करके और हम यहां पे मान लो इस ग्रुप को लाते हैं, जेड ग्रुप को लाते हैं, रेफरेंस एटम हाइड्रोजन को रिमूव करके हम यहां पे इस जेड ग्रुप को ला रहे हैं, और जेड ग्रुप को लाने के बाद फिर हमें यह देखना है कि इस कार्बन के सराउंडिंग में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। अगर यहां पे ग्रेटर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्जर्व हो रही है, ग्रेटर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस कार्बन के सराउंडिंग में ग्रेटर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्जर्व हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो जेड ग्रुप हमने लगाया है, ये जेड ग्रुप कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, रिपेल कर रहा है, मतलब कार्बन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये ग्रुप बढ़ा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इस जेड ग्रुप को इस सिचुएशन में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, और ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक बार फिर से समझना, हमने एक कार्बन स्केल्टन को कंसीडर किया, मतलब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रेफरेंस एटम हाइड्रोजन अटैच है, बाकी तीन ग्रुप और है, ये तीन ग्रुप जो है वो ये इस स्ट्रक्चर में भी हम सेम ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हमने क्या चेंज किया, हाइड्रोजन जो रेफरेंस एटम है वो हटा दिया और उसकी जगह पे एक ग्रुप जेड ला रहे हैं। अब जेड को लाने के बाद हम ये देखते हैं कि इस कार्बन के सराउंडिंग में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और अगर यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है, इसका मतलब, पीयूष माइक म्यूट करो, तो अगर यहाँ पे कार्बन के सराउंडिंग में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि इस जेड ग्रुप ने कार्बन के सराउंडिंग में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है।
इस वजह से हम जेड को क्या बोलेंगे, जेड को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, ठीक है, जेड को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बोलेंगे। अब बात आती है कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर जो डिफरेंट ग्रुप दिखाते हैं वो ऑर्डर क्या है, तो लिखो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप इज एज फॉलोज। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप इज एज फॉलोज। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ओ नेगेटिव दिखाता है, ओ नेगेटिव का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद सी डबल ओ नेगेटिव को कंसिडर करते हैं, सी डबल ओ नेगेटिव, इसके बाद कंसिडर करते हैं टर्सरी एल्काइल ग्रुप को, टर्सरी एल्काइल, इसके बाद कंसिडर करते हैं सेकेंडरी एल्काइल को, सेकेंडरी एल्काइल, इसके बाद कंसिडर करते हैं प्राइमरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल, ठीक है, फिर कंसिडर करते हैं मिथाइल, इसके बाद कंसिडर करते हैं ड्यूटीरियम को, और लास्ट में है प्रोटियम यानी कि हाइड्रोजन जो कि रेफरेंस एटम होता है। तो ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ओ नेगेटिव, उसके बाद सी डबल ओ नेगेटिव, उसके बाद टर्सरी एल्काइल, फिर सेकेंडरी एल्काइल, फिर प्राइमरी एल्काइल, फिर मिथाइल, फिर ड्यूटीरियम, फिर हाइड्रोजन। अब एक बात आप यहां पे और समझ लेना कि ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं इनके प्लस आई इफेक्ट का, ये कंपैरिजन तभी ट्रू होगा जब ये ग्रुप्स आइडेंटिकल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे फ्रॉम अफेक्टेड एटम। जिस एटम के ऊपर हम इनका इफेक्ट को देख रहे हैं अगर उस एटम से ये आइडेंटिकल पोजीशन पे है तभी ये ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट का ऑब्जर्व होगा। अगर इनकी पोजीशन आगे पीछे है तो ऐसे सिचुएशन में ये ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए ये जरूरी है कि इन ग्रुप्स को आइडेंटिकल पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अगर मान लो हम इस एटम के ऊपर, ठीक है, इस एटम के ऊपर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देख रहे हैं, अब यहां पे सी डबल ओ नेगेटिव है, ठीक है, यहां पे सी डबल ओ नेगेटिव, हम इस एटम पे प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देख रहे हैं, अब बताओ प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का या सेकंड का। बोलो भाई, सही है, प्लस आई इफेक्ट फर्स्ट का ज्यादा होगा, फर्स्ट का प्लस आई इफेक्ट सेकंड से ज्यादा होगा। अब क्यों ज्यादा होगा जरा वजह समझो, यहां पे जो सी डबल ओ नेगेटिव है ये इस अफेक्ट
जिस कार्बन पे हम इसका इफेक्ट देख रहे हैं उससे उसके पास है, और यहां पे जो ओ नेगेटिव है वो इस कार्बन से जिसके ऊपर हम प्लस आई इफेक्ट देख रहे हैं उससे दूर है। तो ओ नेगेटिव का प्लस आई इफेक्ट कम होगा, सी डब्लू नेगेटिव का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो फर्स्ट का प्लस आई इफेक्ट सेकंड से ज्यादा होगा, मतलब इस कार्बन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर होगी इसके कंपेयर में। तो यहां पे ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है। रिलेटिव पोजीशन से रिलेटिव पोजीशन सेम होने पे ही ये ऑर्डर ऑब्जर्व होगा। अगर रिलेटिव पोजीशन सेम नहीं है तो आप इस ऑर्डर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखो। दूसरी बात, जैसे अगर हम कंसिडर करते हैं टर्सरी अल्काइल और सेकेंडरी अल्काइल को, जिसमें हम सबसे छोटा टर्सरी अल्काइल ग्रुप और सबसे बड़ा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप को अगर कंपेयर कर रहे हैं, या उसी तरीके से सबसे छोटा सेकेंडरी अल्काइल और सबसे बड़ा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप को कंसिडर करें, तब भी ये ऑर्डर जो है, ये जो आप देख रहे हो, यही ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से नोट कर सकते हो। जैसे सबसे छोटा टर्सरी अल्काइल ग्रुप क्या होगा, ये सबसे छोटा टर्सरी अल्काइल ग्रुप है, और हमने सबसे बड़ा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कंसिडर किया है, सबसे बड़ा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। ये बिगेस्ट सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है और ये स्मॉलेस्ट टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, तब भी आप अगर कंपेयर करोगे तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर यही रहेगा। टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा हो। इसी तरीके से सबसे छोटा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप और सबसे बड़ा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप को कंसिडर करते हैं, तब भी प्लस आई इफेक्ट आप कंपेयर करोगे तो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट प्राइमरी अल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको अपने दिमाग में रखना है। एक तो ये ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन जो है वो तब फॉलो होगा जब ये ग्रुप अफेक्टेड एटम से आइडेंटिकल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। दूसरा, किसी भी टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट किसी भी सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा होगा, और किसी भी सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट किसी भी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा हो। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट्स क्लियर हुए, ये पॉइंट्स क्लियर हुए। अब आप नोट करो सेकेंड क्लासिफिकेशन इंडक्टिव इफेक्ट का, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, लिखो इसमें एनी एटम और ग्रुप विच डिक्रीजेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, any atom or group which decreases sigma electron density in surrounding of carbon atom, any atom or group which decreases sigma electron density in surrounding of carbon atom, in surrounding of carbon atom, if all other structural features are identical,
इफ ऑल अदर स्ट्रक्चरल फीचर्स आर आइडेंटिकल, इफ ऑल अदर स्ट्रक्चरल फीचर्स आर आइडेंटिकल इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब जैसे देखो, अब यहां पे देखो हाइड्रोजन जो कि रेफरेंस एटम है वो कार्बन से अटैच है। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन को हटा करके ग्रुप वाई लगा देते। यहां पे जो बाकी स्ट्रक्चरल फीचर है बोल रहे हैं वो आइडेंटिकल रखने, बाकी स्ट्रक्चरल फीचर में हमें कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ रेफरेंस एटम को हटा करके कोई दूसरा ग्रुप वाई हम लेकर के आ रहे हैं। अब वाई की प्रेजेंस में हमने यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे इफेक्ट देखा। अगर यहां पे लोअर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्जर्व होती है, लोअर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अगर लोअर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसका मतलब है कि वाई ने इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचा है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर वाई की तरफ जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वाई को हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वाई को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बोलेंगे। वाई को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बोलेंगे। अब आप नोट करो, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप इज एज फॉलोज। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप इज एज फॉलोज। तो देखो, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट NR3 पॉजिटिव दिखाता है, इसके बाद SR2 पॉजिटिव, इसके बाद NH3 पॉजिटिव, इसके बाद NO2, फिर SO2R, फिर साइनाइड, इसके बाद कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्जिलिक एसिड, फिर आता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद आता है एल्डिहाइड, कीटोन, इसके बाद आता है OH, फिर आता है बेटा OR, ठीक है, OH OR, फिर आता है C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आता है NH2, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, फिर NH2 के बाद फिर आता है
फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, इसके बाद आता है CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर आता है हाइड्रोजन। ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, डिफरेंट ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर मैंने यहां पे लिखा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है NR3 पॉजिटिव, देन SR2 पॉजिटिव, देन NH3 पॉजिटिव, फिर NO2, SO2R, SO2R को सल्फोन बोलते हैं, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ईथर, एल्काइन, अमाइन, फिनाइल, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड हाइड्रोजन। अब यहां भी देखो यही बात होल्ड करेगी कि ये ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट तभी फॉलो होगा जब ये ग्रुप अफेक्टेड एटम से इक्वी डिस्टेंट होंगे। अगर ये ग्रुप अफेक्टेड एटम से इक्वी डिस्टेंट होंगे तो ये इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, ये ऑर्डर ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। और एक बात और, ये ऑर्डर तब फॉलो होगा जब हम एक एक ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करेंगे, एक NO2 और एक फ्लोरीन के बीच में, एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन के बीच में। अब पता चला कि एक फ्लोरीन और दो क्लोरीन आपने ले लिया तो आपको ये ऑर्डर नहीं ऑब्जर्व होगा, ऑब्वियसली तब दो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो एक एक ग्रुप के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए और इन ग्रुप्स को अफेक्टेड एटम से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ये ऑर्डर कब फॉलो होगा? जब ये ग्रुप अफेक्टेड एटम से इक्विडिस्टेंट होंगे और जब हम कंपैरिजन एक एक ग्रुप के बीच में करेंगे। यहां पे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ, सही है? अब देखो जिस कार्बन पे एक NO2 है, यहां पे आप देख रहे हो उसी कार्बन पे दो क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट एक NO2 के माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा होगा। और इसमें अगर आप देखो NH3 पॉजिटिव एक कार्बन और आगे आ गया, वैसे तो NH3 पॉजिटिव का माइनस आई NO2 से ज्यादा होता है, लेकिन यहां पे इनकी जो पोजिशन है वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे NH3 पॉजिटिव एक कार्बन आगे है तो माइनस आई इफेक्ट उसका कम हो जाएगा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करें तो थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड होगा। तो ये तो बात हो गई ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है? अब इसके बाद
इनके एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो इन डिटर्मिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनडिटर्मिनेशन ऑफ डायपोल मूमेंट, इनडिटर्मिनेशन ऑफ डायपोल मूमेंट। तो यहां पे आप नोट करो, लिखो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूमेंट as well as its magnitude, direction of dipole moment as well as its magnitude directly depends upon inductive effect, directly depends upon inductive effect। तो बोल रहा है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों सीधे सीधे इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं जरा देखो, यहां पे डायपोल मोमेंट का मतलब एक बॉन्ड के डायपोल मोमेंट से हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे देखो, अगर हमारे पास एक कार्बन है और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, मतलब प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच है। अगर कार्बन से प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच है तो हमेशा याद रखना कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, ठीक है, हमेशा वही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट होगा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी वही होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ पुश करेगा, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स कार्बन होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स कार्बन होगी। जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है वही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स कार्बन होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के केस में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स ग्रुप होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स कार्बन होगी, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की प्रेजेंस में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स ग्रुप होगी। ठीक है, तो एकदम क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो बात आती है कि अगर हम कंसीडर कर रहे हैं मान लो CH3OH को हमने कंसीडर किया, CH3NO2 को कंसीडर किया, CH3F को कंसीडर किया, CH3NH3 पॉजिटिव को कंसीडर किया, CH3NH3 पॉजिटिव को कंसीडर किया, और CH3CHO को कंसीडर किया। ये पांच कंपाउंड हमने लिए। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनका ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगा, इनका ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट क्या होगा। इनके डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताओ।
42531 42531 ना ये होना चाहिए। देखो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट NH3 पॉजिटिव का है, तो जिसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट भी सबसे ज्यादा होगा। तो फोर्थ का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंड के बाद फिर आ जाएगा थर्ड, फिर फिफ्थ, अच्छा यही बताया था शायद, और फिर फर्स्ट। 42351 या 531 बोला था, क्या बोला था भाई? कुछ लोगों ने 531 बोला था, 351 ये सही आंसर है। 42351। तो अगर हम एक बॉन्ड का डायपोल मोमेंट को कंसीडर करें तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप। जैसे जैसे यहां पे जो ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा। तो मतलब डायपोल मोमेंट ऑफ अ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप। अब प्रॉब्लम तब आ जाती है ना जब वहां पे कुछ स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और कुछ स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, फिर कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाता है। अगर सब में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है या सब में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्डर बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इनके डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ। ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट अरे यहां पे क्या दिक्कत हो रही है तुम लोगों को? अब तक कोई भी सही आंसर नहीं मिला है, गलत। इसको आप ऐसे देखो ना,
अब देखो यहां पे हम इसका प्लस आई इफेक्ट को देख रहे हैं, यहाँ पे इसका प्लस आई इफेक्ट को, यहाँ पे इसका प्लस आई इफेक्ट को, और यहाँ पे इसका प्लस आई इफेक्ट को। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जो है फोर्थ दिखा रहा है, तो फोर्थ का डेप्लमेंट सबसे ज्यादा होगा। थर्ड कंपाउंड में ओ नहीं है, थर्ड कंपाउंड में डी है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम। तो ये इनका ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट है, मतलब ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। बाकी एक बात, जब डायपोल मोमेंट की बात आती है तो ये हमेशा अपने दिमाग में रखो कि अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है बट वहां पे किसी नॉन टर्मिनल एटम पे लोन पेयर है, अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है और नॉन टर्मिनल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, आप इसको नोट में लिख लो, पहले भी कई बार बता चुका हूं, लिख लो, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नॉन टर्मिनल एटम, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नॉन टर्मिनल एटम, देन इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नॉन टर्मिनल एटम, देन डायपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, डायपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल कैन नेवर बी जीरो इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नॉन टर्मिनल एटम, देन डायपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कैन नेवर बी जीरो। अगर नॉन टर्मिनल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसे देखो, अगर हमने इसको कंसिडर किया है, अब यहां पे अगर आप देखो तो वैसे तो ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल ग्रुप पैरा पोजिशन पे है, लेकिन लोन पेयर आप देख रहे हो नॉन टर्मिनल एटम ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे नॉन टर्मिनल एटम है क्योंकि उसके आगे भी एक एटम हाइड्रोजन अटैच, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। बट अगर हम इसको कंसीडर करें, यहां पे आप देखो नाइट्रोजन टर्मिनल एटम पे है, नहीं नाइट्रोजन टर्मिनल एटम है और उस पे लोन पेयर है और स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा।
क्योंकि यहां पे टर्मिनल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है और स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, बट इसका डायपोलमेंट नॉन जीरो होगा क्योंकि यहां पे नॉन टर्मिनल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, यहां भी आप देख रहे हो कि नॉन टर्मिनल एटम पे, ये नॉन टर्मिनल एटम है ऑक्सीजन, नॉन टर्मिनल एटम पे लोन पेयर है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, आप देख रहे हो यहां पे क्लोरीन, क्लोरीन टर्मिनल एटम है उस पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन टर्मिनल एटम है उस पे लोन पेयर है, और स्ट्रक्चर क्या है सिमेट्रिकल, ट्रांसफॉर्म सिमेट्रिकल है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर हम इसको कंसीडर करें, बताओ इसका डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, हाँ सही है जीरो होना चाहिए क्योंकि टर्मिनल एटम पे लोन पेयर है और स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल, टर्मिनल एटम पे लोन पेयर है और स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट का ये हो गया जिसमें हम डायपोल मोमेंट का डिटरमिनेशन करते हैं। अब आप इसका सेकेंड एप्लीकेशन लिखो, इन डिटरमिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इन डिटरमिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इन डिटरमिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Indetermination of acidic strength of carboxylic acid. तो कोई भी एसिड हो, पहले मैं जनरल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो एक एसिड है HA, एसिड हमेशा वाटर में डिसॉल्व हो करके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और एसिड एनायन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और एसिड एनायन प्रोड्यूस करता है। अगर आप एसिड को चेंज करोगे तो एसिड को चेंज करने पे यह एनायन चेंज होगा, जब आप एसिड बदलते हो तो एसिड को बदलने पे एनायन बदल जाएगा, बट हाइड्रोजन आयन हर एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस होना ये तो एक कॉमन फैक्टर है एसिड के केस में, बट अनकॉमन फैक्टर क्या है, एनायन अलग अलग प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब कि किसी भी एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो अनकॉमन फैक्टर यानी कि एनायन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के, ठीक है। अब अगर आप के का एक्सप्रेशन को देखो तो के का एक्सप्रेशन यहां पे क्या है, एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इनटू ए नेगेटिव कंसेंट्रेशन अपॉन एच ए कंसेंट्रेशन। के इज इक्वल टू एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इनटू ए नेगेटिव कंसेंट्रेशन अपॉन एच ए कंसेंट्रेशन। अगर हम चाहते हैं कि के वैल्यू ज्यादा हो, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ हम ज्यादा चाहते हैं, मतलब के वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और के वैल्यू अगर बड़ी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है वो ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस्ड। तो आप यहां पे देख सकते हो कि अगर एसिड ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो हाइड्रोजन आयन के साथ साथ वो एनायन भी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली ये भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर हाइड्रोजन आयन का नंबर बढ़ता है तो ऑब्वियसली एनायन का नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो एनायनिक कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हम चाहते हैं तो एनायनिक कंसेंट्रेशन भी हमें ज्यादा चाहिए। और एनायन कब ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, जब वो ज्यादा स्टेबल होगा। एनायन ज्यादा अमाउंट में तब प्रोड्यूस होगा जब वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन प्रोड्यूस्ड। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन प्रोड्यूस्ड। अगर इस एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनायन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, और एनायन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। और अगर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो के वैल्यू ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा एनायन, जो एसिड एनायन है, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप इस बात को लिखो एज द स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन प्रोड्यूस्ड, as the stability of acid anion produced increases, as the stability of acid anion produced increases, its acidic strength also increases, its acidic strength also increases, its acidic strength also increases. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो एसिड एनायन है इसकी स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ ए नेगेटिव प्रोड्यूस्ड बेटा, कौन हो आप जो है ये, आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में माइक को म्यूट करके बैठो। Stability of anion produced. Stability of anion produced. अब देखो, किसी भी आयन की स्टेबिलिटी आयनिक चार्ज इंटेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
आयनिक चार्ज इंटेंसिटी का क्या मतलब है, जरा इस बात को समझो। बेसिकली किसी भी एटम पे अगर चार्ज है मतलब एटम पे बर्डन है, और अगर एटम पे बर्डन है तो एटम अनस्टेबल है। अगर एटम पे चार्ज है तो एटम पे बर्डन होगा, और अगर एटम पे बर्डन है तो वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अगर एनायन की स्टेबिलिटी को कंसीडर करना है तो एनायन की स्टेबिलिटी तब ज्यादा होगी जब जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है उस पे नेगेटिव चार्ज का बर्डन कम हो या नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी कम हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अब बात आती है कि नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को कौन से फैक्टर डिक्रीज करते हैं और कौन से फैक्टर इंक्रीज करते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा वो एनायन को अनस्टेबल बनाएगा, और एनायन को अनस्टेबल बनाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, और जो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा वो एनायन को और स्टेबलाइज करेगा, और अगर एनायन को स्टेबलाइज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का केस को देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होगा, देखो। अब मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जेड कोई ग्रुप है जो सी डबल एच ग्रुप से अटैच है, हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में डिसॉल्व होकर के ये कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस करता है, कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर कंसीडर करें तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस्ड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस्ड। अब देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो हमेशा इस ग्रुप पे डिपेंड करेगी, जेड पे डिपेंड करेगी। अगर जेड ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अगर ये जेड ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज का बर्डन ऑक्सीजन पे कम हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज का बर्डन ऑक्सीजन पे कम हो जाएगा तो वो एनायन स्टेबलाइज हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम यहां पे देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ जेड ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ जेड ग्रुप। अगर जेड ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, अगर जेड ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है तो उस सिचुएशन में कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर जेड माइनस आई इफेक्ट दिखाता है तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो फिर यहां से कंक्लूजन निकल करके आया, देयरफोर एसिडिक स्ट्रेंथ of carboxylic acid is directly proportional to minus I effect of Z group and inversely proportional to plus I effect of Z group। बस इसी के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे।
अगर जेड माइनस आई इफेक्ट दिखाता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, और अगर जेड प्लस आई इफेक्ट दिखाता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो इक्वेशन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्जिलिक एसिड, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्जिलिक एसिड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्जिलिक एसिड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्जिलिक एसिड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKa वैल्यू, pKa वैल्यू, pKa वैल्यू। बताओ इनके प्लस आई, इनके पीके का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। वन टू फोर सिक्स फाइव थ्री, थ्री सिक्स फोर फाइव वन टू, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के वैल्यू मैंने पूछा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to K and inversely proportional to pK, ठीक है।
तो पहले हम अगर इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कंसीडर करें, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? देखो यहां पे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, यहां पे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, ठीक है, यहां पे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, इन तीनों में प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, यहां पे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है और यहां पे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है और यहां पे रेफरेंस एटम है हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें रेफरेंस एटम हाइड्रोजन है। फर्स्ट सेकेंड और सिक्स्थ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और थर्ड और फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। अब अगर आप देखो तो मिथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट है वो कम है, जबकि ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। लेकिन जो साइक्लोहेक्साइल है, साइक्लोहेक्साइल भी सेकेंडरी एल्काइल है। आप देखो यहां पे क्या CH2 आगे CH2 और ये, तो यहां पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल का या सेकेंडरी प्रोपाइल के कंपेयर में। प्लस आई इफेक्ट ऑफ साइक्लोहेक्साइल ग्रुप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप, इसका प्लस आई इफेक्ट इसके प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा होगा क्योंकि दोनों सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, यहां पे कार्बन चेन ज्यादा लंबी है। तो अब आप देख सकते हो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ सिक्स्थ का होना चाहिए, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ सिक्स्थ का होना चाहिए, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट, फिर रेफरेंस एटम वाला गैस फोर्थ। अब देखो थर्ड और फिफ्थ में कंपेयर करना है, आइडेंटिकल पोजीशन पे NO2 और CWH ग्रुप प्रेजेंट है, NO2 का माइनस आई इफेक्ट CWH ग्रुप से ज्यादा है, इसलिए फिर फिफ्थ आ जाएगा और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा थर्ड। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो ऑर्डर ऑफ PKa वैल्यू, ऑर्डर ऑफ PKa वैल्यू, तो PKa वैल्यू का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा PKa सिक्स्थ का होगा, फिर सेकेंड का होगा, फिर फर्स्ट का होगा, फिर फोर्थ का होगा, फिर फिफ्थ का होगा, सबसे कम थर्ड का होगा। अब ये ऑर्डर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर सही है, बट ये ऑर्डर मैं किसी के भी आंसर में देख नहीं रहा हूं। तो सबसे ज्यादा PKa वैल्यू सिक्स्थ की होगी, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर थर्ड। हुआ क्लियर? ये समझ में आया या नहीं? ऐसे लिखो आगे, अरेंज अरेंज द फॉलोइंग सॉल्ट्स, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्ट्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, arrange the following salts in terms of increasing order of their extent of hydrolysis, arrange the following salts in terms of increasing order of their extent of hydrolysis, extent of hydrolysis matlab percentage hydrolysis,
ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस बताना है। ये ऑर्डर चिराग ने बताया। देखो आपने जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो उसमें आपने देखा था कि वही सॉल्ट्स हाइड्रोलाइज होते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से डिराइव होते हैं। जो सॉल्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वीक एसिड या वीक बेस से डिराइव होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं, और वो एसिड या बेस जितना वीक होगा उसका सॉल्ट उतना ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा। मतलब परसेंटेज हाइड्रोलिसिस इस बात पर डिपेंड करेगी, जैसे यहां पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, बेस तो सब में सेम लिया हुआ है NaOH, एसिड बदल रहे हैं, तो एसिड जितना वीक होगा उसका सॉल्ट उतना ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा। तो हम एक तरीके से इनके करस्पॉन्डिंग एसिड्स का पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लें, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड पहले निकालते हैं। अब देखो यहां पे ये एसिड जो होगा वो सोडियम हटा दो हाइड्रोजन लगा दो तो एसिड आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे ही यहां पे भी सोडियम हटा करके हाइड्रोजन लगा दो, यहां भी हाइड्रोजन लगा दो, इसमें भी हाइड्रोजन लगा दो, सब में सोडियम हटा करके हाइड्रोजन लगा दो, आपको करस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाएगा। अब आप देखो इस केस में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उस पे दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या दिखा रहा है, माइनस आई दिखा रहा है, ये माइनस आई दिखा रहा है सीधे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप से लगा हुआ। यहां पे भी आप देखो ये माइनस आई ही दिखा रहा है, लेकिन एक CH2 आया तो इसलिए माइनस आई कम हो गया, एक एक्स्ट्रा CH2 होने की वजह से माइनस आई वीक हो गया क्योंकि सीडब्ल्यूएच ग्रुप अब इससे दूर चला गया।
अब इस केस में देखो यहां पे प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है इथाइल की वजह से। इस केस में अगर आप देखो तो इसका माइनस आई ऑब्जर्व हो रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर। यहां पे रेफरेंस एटम है, ना तो प्लस आई दिखाएगा ना माइनस आई दिखाएगा। और इस केस में अगर आप देखो तो वैसे तो यह माइनस आई दिखाता है, फिनाइल ग्रुप जो है माइनस आई दिखाता है। तो इस हिसाब से आप देखो प्लस आई अगर होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, माइनस आई होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड अगर कंसिडर करें तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड का होगा, थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। थर्ड के बाद अब आप देखो इसमें माइनस आई, इसमें माइनस आई, इसमें माइनस आई, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में माइनस आई वाला ग्रुप है, और फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ में तो रेफरेंस है और सिक्स्थ में भी माइनस आई वाला ग्रुप है। लेकिन यहां पे फिनाइल के केस में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही ये फिनाइल माइनस आई दिखाता है बट इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो फॉर्मिक एसिड से हमेशा कम होता है। आप इसको अभी नोट कर लो, एक्सप्लेनेशन में आपको इसका रेजोनेंस के साथ बताऊंगा, तो आप नोट में लिख लो, नोट में लिखो लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ फॉर्मिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ फॉर्मिक एसिड। बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से कम होता है। तो इसके बाद आ जाएगा सिक्स्थ, फिर आ जाएगा फिफ्थ, जिनको हमने सर्कल कर लिया, मतलब उन केसेस को हम कंक्लूड कर चुके। अब इसके बाद आप देखो, अब रह गया फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। अब इनमें आप देखो सीडवलेच ग्रुप सीधे लगा हुआ है दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, यहां पे NO2 ग्रुप सीधे सीडवलेच ग्रुप से नहीं लगा हुआ, बीच में एक CH2 है। तो इसका मतलब कि बाकी तीनों में सबसे ज्यादा माइनस आई दिखाएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी तीनों में सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब बच गया सेकेंड और फोर्थ, तो NO2 और सीडवलेच में NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है, नहीं फोर्थ फोर्थ आएगा और यहां पे सेकेंड। ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड। और हमें पता है कि स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर विल बी इट्स कंजुगेट बेस। तो ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, तो इसका उल्टा हो जाएगा बेटा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा थर्ड, उसके बाद सिक्स्थ, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट। तो ये है सही ऑर्डर, चिराग ने आंसर तो किया था, आंसर गलत था, बाकी लोगों का तो मुझे लगता है कि किसी ने आंसर भी नहीं किया। ये क्लियर हुआ सबको? अरे ये समझ में आया कैसे एनालिसिस की गई है? सर वो जो आपने नोट में, हाँ बोलो बोलो सर, वो जो नोट लिखवाया था सर रिपीट कर दो, नेट स्लो हो गया था। हाँ नोट में लिखवाया हुआ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ फॉर्मिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ फॉर्मिक एसिड।
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ फॉर्मिक एसिड. एक और क्वेश्चन लिखो. अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ. ये हमने टोटल 8 एसिड कंसीडर किए हैं, इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ. इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ऑर्डर ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं. फोर फाइव टू फोर सेवन सिक्स थ्री फाइव टू एट वन. Ahem.
देखो बेटा यहाँ पे ये दिखा रहा है माइनस आई, यहाँ पे जीरो इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे ये दिखा रहा है माइनस आई, यहाँ पे ये दिखा रहा है प्लस आई, यहाँ पे वैसे तो ये माइनस आई ही दिखाता है। अगर हम इस पूरे को कंसीडर करें, ठीक है, तो ये माइनस आई ही दिखाता है, ये माइनस आई दिखाता है। और अगर हम इसको कंसीडर करें, ये दिखाता है प्लस आई, ये पूरा मिल करके प्लस आई दिखाता है, और ये दिखा रहा है माइनस आई। अब यहीं पे अगर मैं एक ग्रुप और बढ़ा दूं, एक और कंपाउंड को कंसीडर कर लें, पहले तो आप समझ लेना इनका कॉमन नेम क्या है, ठीक है, कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो पहला वाला जो कंपाउंड है इसको तो बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड, जिनको नहीं पता है वो लिख लें, फर्स्ट कंपाउंड ऑक्सैलिक एसिड। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अभी सिचुएशन में किसी को भी याद होगा, तो फर्स्ट ऑक्सैलिक एसिड है, सेकेंड फॉर्मिक एसिड है, नाम लिखते जाओ, फर्स्ट ऑक्सैलिक एसिड, सेकेंड फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम बता रहा हूं, थर्ड मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, फोर्थ एसिटिक एसिड, फिफ्थ बेंजोइक एसिड, सिक्स्थ सक्सिनिक एसिड, ठीक है, सक्सिनिक एसिड सिक्स्थ, सेवेंथ ग्लूटारिक एसिड, सेवेंथ है ग्लूटारिक एसिड, और ये है नाइट्रोफॉर्मिक एसिड, नाइट्रोफॉर्मिक एसिड एट, नाइट्रोफॉर्मिक एसिड, और नाइन्थ है एडिपिक एसिड, नाइन्थ है एडिपिक एसिड, ठीक है बेटा। अब जरा देखो इसमें जो नाइन्थ है, नाइन्थ भी प्लस आई दिखा रहा है। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के केस में ज्यादा होगा, प्लस आई के केस में कम होगा। तो इस हिसाब से देखो सबसे ज्यादा माइनस आई जो है वो एट्थ में ऑब्जर्व हो रहा है, सिक्स्थ को सक्सिनिक एसिड बोलते हैं, सिक्स्थ सक्सिनिक एसिड है, ये ग्लूटारिक एसिड है, ये नाइट्रोमेथनोई नाइट्रोफॉर्मिक एसिड, और ये है एडिपिक एसिड। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा एट्थ का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, एट्थ के बाद फिर फर्स्ट, ठीक है, एट्थ का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट, एट्थ के बाद फर्स्ट आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ में। अब इसके बाद आप देखो माइनस आई वाले केसेस कौन कौन से हैं, ये माइनस आई का केस है और ये माइनस आई का केस है, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस आई दिखा रहा है और इसका माइनस, ऑब्वियसली ये जो है सेकंड से ज्यादा एसिडिक है, थर्ड इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ सेकंड, और मैंने अभी बताया था कि बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन दैट ऑफ फॉर्मिक एसिड, इसका मतलब फिर आ जाएगा थर्ड आ जाएगा फिर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, इसके बाद फिर सेकंड आ जाएगा, सेकंड, सेकंड आ गया, फिर आ जाएगा, फिर आएगा फिफ्थ, फिफ्थ। अब देखो बेटा क्या क्या बच गया, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ,
फोर्थ, सिक्स्थ, एक मिनट, थर्ड हो गया। थर्ड के बाद देखो ये भी माइनस आई दिखा रहा है, ठीक है, ये माइनस आई दिखा रहा है, ये फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। तो थर्ड के बाद फिर आ जाएगा सिक्स्थ, थर्ड के बाद सिक्स्थ आ जाएगा, सिक्स्थ के बाद फिर आ जाएगा सेकंड, सेकंड के बाद फिर आएगा फिफ्थ, सर। हाँ बोलो। सेवेंथ प्लस आई कैसे दिखा रहा है? अब बताता हूं, अभी उसी पॉइंट पे आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो बेटा, यहां पे जो सीडब्ल्यूएच ग्रुप है, सीडब्ल्यूएच ग्रुप को इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर अपना इंडक्टिव इफेक्ट दिखाना है। वैसे तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, लेकिन जरा देखना उसको अपना माइनस आई इफेक्ट कौन से कार्बन पे ट्रांसफर करना है। तो वो ट्रांसफर करा तीसरे कार्बन पे। मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तीन एटम तक सिग्निफिकेंट होता है, थ्री कार्बन एटम तक सिग्निफिकेंट होता है, उसके बाद वो नेग्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देखो ये सीडब्ल्यूएच ग्रुप दिखा रहा है माइनस आई, और ये जो सी एच टू है ये प्लस आई दिखा रहे हैं, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर के ये ट्रांसफर कर रहा है माइनस आई। अब जरा इसमें आओ, इसमें क्या हो रहा है, सीडब्ल्यूएच ग्रुप को चौथे कार्बन पे अपना इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसफर करना है, और यहां पे तीन सी एच टू आ गए, तो इनका जो प्लस आई है और वो इसके माइनस आई को डोमिनेट कर गया, इसलिए ये ओवरऑल क्या दिखाता है, ओवरऑल ये प्लस आई दिखाता है। तो क्योंकि ये ओवरऑल प्लस आई दिखा रहा है, इसलिए इसका जो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो सेकंड से कम हो जाएगा, ठीक है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड से कम होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इनफैक्ट फिफ्थ से भी कम होता है, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो इसके बाद आ जाएगा यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में सेवेंथ, सेवेंथ, और सेवेंथ के बाद, अच्छा एक चीज और समझ लेना बेटा, ये जो पूरा ग्रुप है ये प्लस आई दिखाता है, लेकिन इसका प्लस आई जो है वो हाइड्रोजन के प्लस आई से, हाइड्रोजन के इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है, मतलब हाइड्रोजन के कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। और इसमें अगर आप देखो तो यहां पे मिथाइल ग्रुप का प्लस आई ऑब्जर्व हो रहा है, इसका प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन के प्लस आई से ज्यादा है, बट मिथाइल के प्लस आई से कम है। आप इसको ऐसे लिख लो, अगर हम प्लस आई के ऑर्डर में कंसीडर करें तो मिथाइल का जो प्लस आई है वो सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी डबल ओ एच के प्लस आई से ज्यादा होता है, और इसका जो प्लस आई है वो हाइड्रोजन के प्लस आई से ज्यादा है। बट अगर हम यहां पे एक सी एच टू और लगा देंगे बेटा, ध्यान देना, अगर यहां पे एक सी एच टू इस चेन में एक सी एच टू और लाए तब क्या होगा, उसका प्लस आई मिथाइल के प्लस आई से ज्यादा हो जाएगा। अगर हम यहां पे एक सी एच टू ग्रुप और लाते हैं तो प्लस आई जो है वो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको कंसीडर करते सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू और सी डबल ओ एच, तो इसका जो प्लस आई होगा वो मिथाइल के प्लस आई से ज्यादा होगा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि सेवेंथ, सेवेंथ के बाद फिर आ जाएगा सिक्स, फोर्थ, सेवेंथ के बाद फोर्थ, और सबसे कम एसिडिक होगा नाइन्थ, सबसे कम एसिडिक होगा नाइन्थ। थोड़ी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है तो एक बार इसको फिर से एनालाइज करते हैं। मैंने पूरा ऑर्डर लिख दिया है, ऑर्डर आप पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद इसको समझा देता हूं। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ लेना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को लेकर के।
बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। नोट कर लिया? ऑर्डर लिख लिया सबने? चलो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर करना होता है तो सबसे पहले हमें कैटेगराइज कर लेना होता है ग्रुप को, कि जो ग्रुप वहां पे लगा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप से, वो ग्रुप प्लस आई दिखाता है या माइनस आई दिखाता है। पहला काम हमें ये करना है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ये सीडुलेज ग्रुप माइनस आई दिखा रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे हाइड्रोजन कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ये ग्रुप माइनस आई दिखा रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर, यहाँ पे सी एस थ्री प्लस आई दिखा रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर, यहाँ पे फिनाइल माइनस आई दिखा रहा है। बट दिमाग में रखना है कि ओवरऑल जो इफेक्ट है वो डोनेटिंग होता है, विड्राइंग नहीं होता है। फिनाइल के केस में ओवरऑल इफेक्ट डोनेटिंग होता है, और वो डोनेटिंग इफेक्ट क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन आपको रेजोनेंस में मिलेगा। अच्छा, अब इसको देखें तो ये भी माइनस आई दिखा रहा है, ठीक, लेकिन इसके बाद सिचुएशन बदल जाती है। जैसे इसमें एक सी एच टू और लाते हैं, यानी कि ये वाला केस, तो ये पूरा ग्रुप जो है वो क्या दिखाने लगता है, वो प्लस आई दिखाने लगता है। बट इसका जो प्लस आई होगा वो हाइड्रोजन के प्लस आई से ज्यादा होगा, बट मिथाइल के प्लस आई से कम होगा। इस पूरे का जो प्लस आई होगा वो हाइड्रोजन के प्लस आई से तो ज्यादा होगा, बट मिथाइल के प्लस आई से कम होगा। यहां पे ये माइनस आई दिखा रहा है, और इसमें एक और सी एस टू लगाया, तो इस पूरे का जो प्लस आई है वो मिथाइल के प्लस आई से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई नाइन्थ में ऑब्जर्व हो रहा है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई नाइन्थ में ऑब्जर्व हो रहा है, तो सबसे कम एसिडिक नाइन्थ होगा, सबसे कम एसिडिक नाइन्थ होगा, और सबसे ज्यादा माइनस आई एट्थ में ऑब्जर्व हो रहा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक एट्थ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें माइनस आई तो फर्स्ट में ऑब्जर्व हो रहा है, एट्थ के बाद फर्स्ट आ जाएगा, फिर थर्ड में माइनस आई ऑब्जर्व हो रहा है, फिर थर्ड आ जाएगा, उसके बाद फिर सिक्स्थ में माइनस आई ऑब्जर्व हो रहा है, सिक्स आ जाएगा। ये तो माइनस आई वाले केसेस हो गए, यहां तक ये माइनस आई वाले केसेस हो गए, ठीक है। फिर सेकेंड आ गया जीरो इंडक्टिव इफेक्ट वाला केस, यहां पे जीरो इंडक्टिव इफेक्ट है, और ये फिफ्थ जो है कहने को तो माइनस आई दिखाता है, बट ओवरऑल इसका इफेक्ट जो होता है वो डोनेटिंग ग्रुप वाला होता है, ठीक है। तो ये तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के फॉर्म में आपको याद रखना है, फॉर्मिक एसिड के साथ ही आप इसको कंसीडर करोगे, ये फॉर्मिक एसिड से कम एसिडिक होगा फिफ्थ बेंजोइक एसिड, बाकी जो तीन है इनमें प्लस आई ऑब्जर्व हो रहा है। इस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है। आया समझ में एनालिसिस का अप्रोच क्या होगा? ठीक है, और ये ऑर्डर अपने दिमाग में रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। बेटा इस फ्राइडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फाइनल टेस्ट होगा,
कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछी जाएगी, पहले ही बताया हुआ है मैंने। और फिर जीओसी के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट। इस वीक में मैं सारी क्लास, ठीक है, अब चलो डाउट क्लास की जरूरत है तो थर्सडे को डाउट क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थर्सडे को डाउट क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो इस वीक की आप थर्सडे वाली क्लास अगर डाउट्स के लिए यूज कर रहे हैं तो बाकी जो क्लासेस हैं इस वीक की वो सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होंगी। और अगले वीक से मैं केमिकल काइनेटिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा, जीओसी के साथ केमिकल काइनेटिक्स चलेगा आगे, ठीक है। और फिर टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों साइड बाय साइड चल रही है, अगर कोई एक ही टाइप का डिस्कशन चले तो थोड़ी उबन सी होने लगती है, लेकिन अगर फिजिकल चल रहा है ऑर्गेनिक चल रहा है दोनों में अलग अप्रोच चाहिए, तो इसलिए जो है आपको पता भी नहीं चला, और धीरे 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 करके हम लोग जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते जा रहे हैं। बस फिजिकल केमिस्ट्री में अब आपका प्लस टू फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स रह गया है, और केमिकल काइनेटिक्स के साथ ही मैं आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी करा दूंगा, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के साथ ही डिस्कस हो जाएगा, और फिर एक चैप्टर और रहेगा सरफेस केमिस्ट्री, छोटा सा टॉपिक है, तो प्लस टू की फिजिकल केमिस्ट्री आपकी फिनिश हो जाएगी। फिर हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो चलेगी आगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट के मैंने दो एप्लीकेशन आपको बता दिए, एक तो डाइपोल मोमेंट के डिटरमिनेशन में इसका क्या रोल है, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में इसका क्या रोल है, ठीक है। अभी इस इंडक्टिव इफेक्ट का अगर हम रोल को देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट का रोल एसिडिक स्ट्रेंथ के डिटरमिनेशन में आगे भी आता है। जैसे अगर मान लो आपके पास कोई अल्कोहल है तो अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में भी हम इसको यूज करते हैं। अमाइन अगर है तो अमाइन के बेसिक स्ट्रेंथ के डिटरमिनेशन में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एसिडिक स्ट्रेंथ के डिटरमिनेशन में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। बाकी इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी डिटरमाइन करने में इंडक्टिव इफेक्ट को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस और है इंडक्टिव इफेक्ट के जिनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज मैं क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं।